दोस्तों, बाघ और चील की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये जानने से पहले इन दोनों की ताकत के बारे में जान लेते हैं। एक बाघ को दो भालू भी मिलकर नहीं मार पाते हैं, तो वही दूसरी तरफ एक चील दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा को भी अपना निवाला बना लेता है। एक तरफ बाघ अपने ताकत के दम पर हाथी जैसे जानवरों का भी शिकार कर लेता है, वही एक चील 320 किलोमीटर की रफ्तार से पलक झपकते ही अपने शिकार की गर्दन उखाड़ लेता है। बाघ अपने 250 PSI के जबड़े से पानी में घुसकर मगरमच्छ का भी शिकार कर लेता है, तो दूसरी तरफ चील अपने 10 फीट चौड़े पंखों के दम पर अपने से कई गुना भारी शिकार को हवा में उड़ा ले जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों का आमना सामना हुआ तो कौन जीतेगा। तो दोस्तों, अगर चील अपनी पूरी रफ्तार के साथ बाघ पर हमला भी कर देता है तो बाघ को बस थोड़ा ही जख्मी कर पाएगा, लेकिन अगर बाघ ने अपना एक भी पंजा चील के ऊपर जमा दिया तो चील वहीं पर अपनी दम तोड़ देगा और जीत बाघ की ही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।